दोस्तों लगभग 4 सालों तक लगातार फैंस के डिमांड करने के बाद अब फाइनली जाकर के तेनालीरामा शो का सीजन 2 आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस वजह से फैंस अभी भी बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। जी हाँ, और उसका कारण है मानव गोहिल सर। आप सभी जानते हैं कि मानव गोहिल सर तेनालीरामा के सीजन 1 में महाराज कृष्णदेव राय के किरदार में नजर आए थे और लोगों ने उनके किरदार को बहुत ही ज्यादा पसंद भी किया था, लेकिन आगे जाकर के इन्होंने तेनालीरामा सीजन 1 को क्विट कर दिया था, जिसके बाद मेकर्स किसी और एक्टर को महाराज कृष्णदेव राय के किरदार में लाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग नए महाराज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, जिसके बाद शो की टीआरपी भी गिरी थी और ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण था तेनालीरामा सीजन 1 को बंद होने का। और दोस्तों इस बार फिर से वही चीज होने वाली है, मानव गोहिल सर जो है वो तेनालीरामा के सीजन 2 में काम नहीं करने वाले हैं और अभी तक मेकर्स ने उनका रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया है। जी हाँ, खबरें आ रही है कि आदित्य रेड्डीज तेनालीरामा के सीजन 2 में महाराज कृष्णदेव राय के किरदार में नजर आने वाले हैं। दोस्तों काफी जगह पर मैंने लोगों को कॉमेंट करते हुए देखा है कि मानव गोहिल सर जो है वो कम पैसों की वजह से तेनालीरामा शो में काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों अभी कुछ ही टाइम पहले इंस्टाग्राम पर एक फैंस को रिप्लाई देते हुए मानव गोहिल सर ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पैसों का मामला नहीं है और भी काफी सारी चीजें हैं जिस वजह से वो इस शो में काम नहीं करने वाले हैं। बाकी दोस्तों इन सभी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, टीवी शो से जुड़ी और भी ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फिलहाल अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।